स्वागत है आपका सना मल्टी टैलेंट लवर चैनल में। तो कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपने घर पर मलाई से घी किस तरह से निकालती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पनीर भी निकाल लिया है, इससे पनीर भी निकल गया और मिठाई भी बन गई। तो एक ही चीज़ से तीन चीज़ बन जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ पनीर की और मिठाई की रेसिपी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो अगर आप वॉच करना चाहें तो वहां से वॉच कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने ऐसी ही मावे की मिठाई बनाई है, उसमें मैंने बेसन की बनाई है, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं आई बटन पर आगे लगा दूँगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको पीस काट के दिखा रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ना मलाई फ्रीज़र में रखती हूँ, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखती हूँ, जिससे कि ये जमी रहती है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। ये देखिए, जिस दिन मुझे मलाई से घी निकालना होता है तो मैं उसको पहले ही 3-4 घंटे पहले निकाल लेती हूँ, तो ये अच्छे से पिघल जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक बड़े भगोने में इसको सारी मलाई को निकाल लिया है। ये करीबन 10 दिन की मलाई है और अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमने ये ताज़ी ही निकाली है। तो ये देखिए, ये काफ़ी ठंडी है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, घी निकालने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मलाई को अगर आप ठंडी रखेंगे तो बहुत ही जल्दी से आपका मलाई से घी निकल जाता है। ना जमाने की झंझट और ना मिक्सी में चलाने की झंझट, बस एक ही बर्तन में डालकर थोड़ी सी देर के लिए ही हाथों से इसको फेंटना है। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर बात है, लेकिन मुझे हाथ से ही इजी लगता है। थोड़ी सी ही देर में ये निकल जाता है। आप देख सकते हैं ये कितना सख्त होने लगा है। थोड़ी सी देर ही मैंने इसको फेंटा था तो ये थिक होने लगा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से अपने घर पे मलाई से घी नहीं निकालते हैं तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी निकलने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये अलग होने लगा है, इसका मक्खन और दूध अलग होने लगा है। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी, पानी भी मैं ठंडा ही लूंगी। और इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लूंगी। और पानी जैसे ही हमने डाला है तो ये अलग अलग से दानेदार होने लगेगा, अलग अलग से मक्खन होने लगेगा, दूध अलग होने लगेगा इसका। अगर हम मलाई को जमाते हैं तो फिर वो जो मट्ठा निकलता है तो वो किसी यूज में नहीं रहता, उसे हम फेंक ही देते हैं। लेकिन ये जो दूध है इसका हम पनीर निकाल लेंगे। और अगर हम फ्रीजर में रखते हैं ना मलाई को, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो देखिए, बस अब मैं इसका जो इसमें दूध है वो अच्छे से दबा दबा के निकाल लूंगी, जिससे कि हमारी गैस भी कम लगे, बहुत ही जल्दी से घी निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा मक्खन निकला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये सारा निकाल लेती हूँ पहले। जो हमारा दूध बचा हुआ है इसका हम पनीर निकाल लेंगे पकाकर, इसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे और ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। तो गैस पे मैंने वही भगोना रख दिया था, अब मैंने ये डाल दिया है सारा इसमें मक्खन और गैस की फ्लेम मैंने हाई रख रखी है और इसको मैं कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाऊंगी। बस चलाते ही रहना है क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से लग जाएगा। तो ये देखिए, मैंने उस दूध का पनीर निकाल लिया है। तो देखिए, हमें 10-15 मिनट में, आराम से 10-15 मिनट लगते हैं और ये हो जाता है। आप देख सकते हैं घी इसका अलग होने लगा है थोड़ी सी ही देर में, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगा इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घी ऊपर आने लगा है और जो हमारा जो जिसकी हम मिठाई बनाएंगे वो नीचे बैठ जाएगा। अब ये बिल्कुल तैयार है। अगर हम
जमा के बनाते हैं तो फिर वो जो उसमें खट्टा खट्टापन रहता है तो उसकी तो मिठाई नहीं बनती है, लेकिन ये बिल्कुल मावे की तरह लगता है क्योंकि हमने ये मलाई से निकाला है। चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए हमने ठंडा कर लिया है इसको, तो घी हमारा ठंडा हो चुका था। तो चलिए अब हम इसको छान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड घी कितना अच्छा निकला है। तो सारा घी मैंने इसको छान लिया है और अब हम इसकी मिठाई बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से अपने घर पे मलाई से घी नहीं निकालते हैं तो एक बार तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसको हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, इसकी बनाएंगे हम मिठाई। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये घी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।